स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सैम की हालत हो चुकी है। वो अब सलाखों के पीछे जा चुका है। ऑल थैंक्स टू सवी। सवी ने लास्ट मोमेंट पर आकर दूर्वा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, लेकिन इस बात को दूर्वा मानने को तैयार नहीं है। उसे तो बस ये लगता है कि सवी कभी नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, इसलिए उसने ये सब जानबूझ के किया है। और यही बात वो अक्का साहब से भी कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब सभी ने जानबूझ के किया है। मैं कॉलेज में उसका जीना हराम कर दूंगी। उसने मेरी सगाई तोड़ी है। मैं जानती हूँ कि सैम अच्छा लड़का है। वो ऐसा लड़का नहीं है जैसा सभी कह रही है। ज़रूर सभी में ही कुछ प्रॉब्लम थी, तभी ये सब हुआ। सैम के खिलाफ उसने जो कुछ भी किया वो सब उसकी साजिश थी, सब कुछ झूठ था। मैं जानती हूँ ये सब उसने सब कुछ मेरी वजह से किया है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँ। वो नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा हो, इसलिए उसने ऐसा सब कर दिया। और फिर फाइनली अब सैम जेल में है। मैं उसे जेल से बाहर तो निकालूंगी, लेकिन सभी को मैं मज़ा ज़रूर चखाऊंगी। इस बात पर सुरेखा भी अग्री करती है और वो कहती है, दूर्वा मैं भी तेरे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर उस सभी से बदला लेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लड़की ने ये सब जानबूझ के किया है। उधर दूसरी ओर समृद्ध और उसका पूरा परिवार जेल के अंदर है और बाजीराव उसकी अच्छी खासी खातिरदारी भी कर रहे हैं, खूब मार पड़ रही है, लेकिन समृद्ध सुधरने वालों में से नहीं है। वो ऐसा सब सह कर भी यही कह रहा है कि मैं उस सभी का जीना हराम कर दूंगा और साथ में उस ईशान का भी। मुझे ज़रा जेल से बाहर तो निकल के आने दो, फिर मैं बताता हूँ। इसका मतलब सभी के अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन दुश्मन होंगे जो उससे बदला लेंगे, दूर्वा, सुरेखा और साथ में समृद्ध, जो कि सभी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कसम खा चुका है। हमारे वीडियो पे आपके क्या कमेंट्स हैं हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।